हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथमेटिक्स में संदीप सर। आज मैं आपको आगे की जो डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें समझाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप इससे पहले की जो डेफिनेशन है आप पढ़ चुके होंगे, उन्हें समझ चुके होंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटीज है जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, यानी किसी भी इंटीजर के लिए जीरो आना चाहिए आपका, उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं। इन जनरली फॉर एनी इंटीजर्स ए, मैंने कोई एक इंटीजर्स ए लिया, जब उसमें शून्य ऐड किया तो मेरा जो रिजल्ट आया वो कितना आया? ए। या तो आप ए प्लस शून्य या शून्य प्लस ए, दोनों को किसी भी तरीके से लिखे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? ए। जैसे कि अगर 2 प्लस 0 करते हैं तो भी रिजल्ट 2 ही आएगा, और यदि 0 प्लस 2 करते हैं तो भी रिजल्ट 2 ही आएगा। तो इस तरह से हम इसे एडिटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं। क्लियर हो गया? डिफरेंस विद जीरो। अब हम इस जीरो को यानी डिफरेंस के साथ लेके सीखेंगे। अब तक तो हमने जो जीरो है उसे ऐड करने के ऑपरेशन में लिया, अब हम सब्ट्रैक्शन में लेंगे। देखिए, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी इंटीजर्स, कि जब जीरो को, शून्य को किसी एनी दूसरे किसी इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा? एग्जाम्पल, मैंने -5 लिया और -5 -0 किया तो रिजल्ट कितना आया आपके पास? -5। किसी भी नंबर को शून्य में से जब माइनस करते हैं तो सेम रिजल्ट देता है। जैसे कि 2 लिया, 2 -0 तो रिजल्ट क्या आया? 2। 2 यहाँ क्या है? प्लस का है, तो इसलिए यहाँ +2 लिखा गया। ओके बच्चों, बट द रिवर्स ऑर्डर इज नॉट ट्रू। लेकिन यदि शून्य इधर कर दिया जाए और डिजिट इधर कर दी जाए तो क्या ये सेम रिजल्ट देते हैं जैसे कि एडिशन में ऊपर दिए थे? चेक कर लीजिए। 0 -(-5), तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो -(-+), तो 0 + 5 रिजल्ट आया 5। यानी एक और देख लीजिए, 0 -2 तो रिजल्ट क्या आया? -2। शून्य में से जब 2 माइनस करते हैं तो होगा नहीं, तो सेम टू सेम डिजिट लिखी जाएगी और माइनस का सिंबल लग जाएगा। तो हम देखते हैं कि यदि 5 में से या किसी डिजिट में से या किसी इंटीजर से शून्य माइनस करते हैं तो सेम रिजल्ट आता है, लेकिन अगर शून्य में से किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। अब हम शून्य को मल्टीप्लाई में सीखेंगे। ओके, लाइक होल नंबर्स एनी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय जीरो। आप किसी इंटीजर या किसी होल नंबर की शून्य में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? तो रिजल्ट हमेशा शून्य ही मिलता है। ओके बच्चों, एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। जैसे कि आप ध्यान दें, 5 * 0 तो रिजल्ट क्या आएगा? शून्य। इसलिए हम कह के चलते हैं कि भाई किसी भी नंबर की शून्य से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट शून्य ही आएगा। जैसे -7, यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का ले लिया हमने, तो -7 * 0 तो भी रिजल्ट क्या आया? शून्य। यदि मैं 0 * 4 लेता हूँ तो अब की बार मैंने क्या किया? फर्स्ट 0, सेकंड कोई नंबर या कोई होल नंबर या कोई इंटीजर, तो भी रिजल्ट क्या आएगा? शून्य ही आएगा। तो यहां से मुझे पता चलता है कि आप 0 की किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी रिजल्ट शून्य ही आएगा, और शून्य से किसी की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी रिजल्ट शून्य ही आएगा। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, शून्य की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य, शून्य से किसी की मल्टीप्लाई तो भी शून्य, वो चाहे प्लस का हो वो चाहे माइनस का हो। ओके बच्चों, इन जनरल फॉर एनी इंटीजर्स ए, तो हमारे पास एक जनरल टर्म्स बन गई कि ए मल्टीप्लाई जीरो या
जीरो मल्टीप्लाई ए, दोनों रिजल्ट क्या आएंगे? शून्य ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन बाय जीरो। अब आप डिवीजन को ले लीजिए, लाइक होल नंबर्स एंड इंटीजर्स डिवाइडेड बाई शून्य इज मीनिंगलेस। कहता है कि अब आप डिवीजन में ऑपरेशन में शून्य का रोल क्या होगा उसे देखती जाइए। ये कहता है कि शून्य से अगर किसी होल नंबर को मैं डिवाइड दूंगा तो वो मीनिंगलेस है, यानी उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब मीनिंगलेस को हम अभी एग्जांपल में समझाएंगे। दस फोर एनी इंटीजर्स ए, कोई इंटीजर ए लिया आपने, ए डिवाइडेड बाई जीरो, जीरो से जब आप ए को डिवाइड देते हैं तो इज नॉट डिफाइंड, तो हम उसे डिफाइंड नहीं कर सकते, यानी हम उसका आंसर नहीं ला सकते। मान लीजिए आप फोर को टू से डिवाइड करें तो आप आंसर कहेंगे सर टू टू जा फोर, आंसर टू आया। यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। बट जीरो व्हेन डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो इंटीजर्स गिव्स जीरो। लेकिन इसका उल्टा है कि अगर आप किसी नंबर को शून्य से डिवाइड दें तो नॉट डिफाइंड, लेकिन शून्य को किसी से डिवाइड देंगे तो आपका रिजल्ट शून्य ही आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिया है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जब आप ए से शून्य को डिवाइड देंगे तो रिजल्ट शून्य आएगा। लेकिन ये ध्यान रहे, शून्य से किसी को डिवाइड देंगे तो नॉट डिफाइंड लिखेंगे आप, और यहाँ पर शून्य लिखेंगे। इन्हें एग्जाम्पल में ले लेता हूँ मैं। देखिए आपने क्या किया, आप टू को डिवाइड दे दीजिए शून्य से, क्या दे सकते हैं? दीजिए, टू डिवाइडेड बाई जीरो, तो रिजल्ट क्या आएगा? शून्य से टू को डिवाइड देंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है बताइए? नॉट डिफाइंड, कुछ भी नहीं दे सकता हूं मैं। ओके, तो मैं यहां लिख दूंगा नॉट डिफाइंड। लेकिन अब इसी को यहां देखिए, ऐसे अगर लिख दूं मैं, इसका मतलब है कि आप टू से शून्य को डिवाइड दीजिए तो टू जीरो जा जीरो, तो रिजल्ट जीरो आएगा। ओके, तो यहां कहा गया है किसी भी नंबर से शून्य को डिवाइड देंगे तो जीरो, और जीरो से देंगे तो नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वी कैन से दैट बाय गिविन एग्जांपल्स बेस्ड दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसे मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों पे अलग अलग सीखूंगा। तो मेरे पास रूल्स हैं कि ए बी सी, कोई मेरे पास तीन इंटीजर्स हैं, तो मेरे पास ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी प्लस सी अगर हुआ तो मैं इस ब्रैकेट को कैसे खोलूंगा? ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है। अगर माइनस वाला हुआ तो ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये रूल्स हैं आपके, इन्हें आपको याद रखना है। अगर ये वाली साइड मिलती है तो आप इस तरह से क्लोज कर देंगे, और यदि इस तरह से नंबर मिलता है तो इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे। एग्जाम्पल में देखिए, मैं क्या करता हूँ, ए की जगह 5, बी 2 लिया और सी 3 लिया। तो यहाँ पर मैं प्लस वाले में पहले ए कितना लिया है मैंने 5, रख दिया ए के नीचे, बी कितना है 2, सी कितना है 3। इसको जब मैं इधर ही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं, तो सॉल्व करता हूं तो आप ध्यान दें, पहले ब्रैकेट 2 प्लस 3 5, बाहर 5 है, 5 5 जा 25। अब मैं राइट हैंड को सॉल्व करता हूं, ए आपका 5 लिया था बी 2, ए आपका 5 लिया था सी 3, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, दोनों को ऐड कर 25। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, क्या आई? इक्वल, तो इसलिए ये वेरीफाई होता है आपका। माइनस वाले में देखें आप, ए बी माइनस सी, ए की जगह 5, बी 2 है सी 3 है। तो जब मैं इसे सोल्व करता हूं तो 2 माइनस 3 माइनस का 1 बचेगा, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो -5 1 जा 5। राइट हैंड में देखिए, ए 5 है बी 2 है ये 5 और 3, तो 5 2 जा 10 5 3 जा 15, तो माइनस के 5, तो दोनों आंसर सेम।
तो ये ट्रू हो गया। LHS RHS सेम आनी चाहिए, ठीक है, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, अदरवाइज नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसे आप बहुत अच्छे से सीखें और प्रैक्टिस करें। ओके बच्चे, थैंक यू।